एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमारा इंट्रो जो है वो थोड़ा सा व्लॉगिंग स्टाइल में होने वाला है। मुझे लगा कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी नई नई चीज़ें बहुत पसंद होती है, तो मैंने सोचा कि चलो आज का इंट्रो व्लॉगिंग स्टाइल में करते हैं। तो जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग एग्जाम में अलजेब्रा और ज्योमेट्री के एक्टिविटीज कैसे अटेम्प्ट करोगे ताकि आपको उसके पूरे मार्क्स मिल सके। ओके, तो मैं लाइव आपके सामने एक्टिविटीज को सॉल्व करने वाली हूँ ताकि आपको पता चल सके कि एक्टिविटी को कैसे लिखना है एग्जाम में। तो हमारा सेटअप तो वैसे भी चेंज होने ही वाला है। ओके, तो चलो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा बोर्ड का आंसर शीट। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग एक्टिविटी को देखते हैं कि कैसे हम लोग एक्टिविटी को लिखेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2A एंड क्वेश्चन नंबर 3A जो होता है अलजेब्रा और ज्योमेट्री का, वो एक्टिविटी का क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन नंबर 2A जो होता है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन नंबर 3A जो होता है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो चलो अभी हम लोग ये एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये जो मैंने क्वेश्चंस है वो नवनीत के प्रैक्टिस पेपर से उठाए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 2A फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, 3 एक्टिविटीज है। आपको अगर तीनों करनी है तो तीनों करो, वैसे तो एनी टू का ऑप्शन होता है, या अगर 2 करनी है तो 2 कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी करते हैं, क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x + y = 6। यानी कि हमको क्या करना है, ये एक्टिविटी जो है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, तो आप अभी देखो, जैसे कि आप लोग ये फर्स्ट वन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोग आंसर शीट में क्या लिखोगे, सबसे पहले तो ये, क्योंकि नया क्वेश्चन नंबर है तो न्यू पेज से स्टार्ट होगा, बरोबर। तो क्वेश्चन नंबर 2A, उसके बाद फर्स्ट वन, आपको क्या करना है, हेडिंग डालनी है। पहले तो आपको लिखना है कि ये एक्टिविटी है, ठीक है, एक्टिविटी लिखो, उसके नीचे आप लोग पेंसिल से लाइन कर दो, ये डेकोरेशन का काम है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग ने बॉक्स बना दिया, बॉक्स पेंसिल से ही बनाना ज्यादा अच्छा रहता है, तो बॉक्स हमने पेंसिल से बना दिया, ये एक्टिविटी तो लिख दी है, बरोबर। अब यहाँ पे देखो, ये 4 बॉक्स है और 4 बॉक्स है। 4 बॉक्स क्यों रहते हैं, देखो अगर आप लोग नोटिस करोगे, यहाँ पे 4 बॉक्स है, यहाँ पे भी 4 बॉक्स होने वाले हैं, और यहाँ पे भी 4 बॉक्स होने वाले हैं, क्योंकि एक बॉक्स जो है उसका जो वेटेज होगा वो होगा हाफ मार्क्स, दैट इज हाफ 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 हाफ, और ऐसे करके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, जैसे कि हाफ 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 हाफ, तो यानी कि ऐसे करके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर एक बॉक्स में अगर आपने कुछ गलत लिख दिया तो हाफ मार्क्स आपके चले जाएगी, ऐसे होता है, हाफ हाफ मार्क्स मिलता है पर बॉक्स का, ठीक है। चलो अभी हम लोग यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है ना, इसका सॉल्विंग पार्ट है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ही हम ये बॉक्स को फिल कर सकते हैं। तो इसका जो सॉल्विंग पार्ट है वो क्या आपको दिखाना जरूरी है कि नहीं है, तो मेरा आंसर होगा कि आपको बिल्कुल भी सॉल्विंग पार्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको ये बॉक्स के मार्क्स ही मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग कहाँ पे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे देखो, आपको जैसे कि आपको पता है कि जो लास्ट पेज होता है ना वो हमारा रफ वर्क वाला होता है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करके जो मेन आंसर है ना, जो बॉक्स में जो आपको लिखना है ना, वो डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, जो हमारा इक्वेशन है वो ये था, ठीक है, मैं यहाँ पे रफली फटाफट सॉल्व कर रही हूँ, तो ये हमारा इक्वेशन था। अगर आप लोग थोड़ा सा बॉक्स को देखोगे तो यहाँ पे देखो, x की वैल्यू -5 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो फटाफट मैं फाइंड कर लेती हूँ। तो x की वैल्यू अगर -5 है तो हमारी जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी 16, ठीक है, 16 हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 16, तो यहाँ पे हम लोग 16 फिल कर देंगे, ठीक है, 16। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑर्डर पैर, दैट इज -5, 16। यहाँ पे देखो, सोल्यूशन वाला पार्ट आप लोग को नहीं दिखाना है, कोई जरूरत नहीं है, आपको ये बॉक्स के मार्क्स मिलेगी, ठीक है, बॉक्स में क्या लिखा है उसके मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि अभी क्या है, यहाँ पे y अगर 0 है तो x क्या होगा, तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो आप लोग रफ वर्क पेन से भी कर सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो y अगर हमारा 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यानी कि x की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 3,0। और अभी देखो, अगर आप ऐसे लिखोगे एक्टिविटी, आपको पूरे इसके 2 मार्क्स मिलेंगे, हाफ मार्क्स हाफ मार्क्स हाफ मार्क्स हाफ मार्क्स। और यहाँ पे देखो, ये जो बॉक्स है ना वो आपको पेंसिल से बनाना है, क्योंकि अगर पेंसिल से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, समझ में आया। देखो ये सेकेंड एक्टिविटी, अब ये सेकेंड एक्टिविटी करेंगे, तो एक्टिविटी पहले तो आप लोग क्या करोगे, एक्टिविटी लिखोगे, उसके नीचे पेंसिल से थोड़ा सा डेकोरेशन कर लोगे। अब यहाँ पे देख लो, ये सब एक्टिविटी है, तो यहाँ पे ए हमारा 100 है। हाँ, और एक बात देखो, यहाँ पे देखो, जब क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन कैसे आया है, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, तो आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कंप्लीट द एक्टिविटी वगैरह ये कुछ भी मत लिखो, आंसर शीट में ये सब मत लिखो, टाइम पास मत करो। आंसर शीट में मेन आंसर से स्टार्ट करो, जैसे कि मेन आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर दिस। तो यहाँ से पूरा आप लोग क्या करोगे, कॉपी करोगे। ये कंप्लीट द एक्टिविटी वगैरह, यहाँ पे देखो ये भी कंप्लीट द एक्टिविटी वगैरह, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये टाइम पास मत करो। तो यहाँ ये वाला भी मत लिखना, ये वाला देखो मैंने नहीं लिखा था। अब यहाँ पे देखो, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्टिविटी को लाइव आपके सामने सॉल्व करोगी ना तो ज्यादा समझेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे पहले तो A 100 है, उसके बाद D क्या होगा, D आपको पता है T2 - T1 यानी कि 105 में से 100 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। और TN है अपना जो है 995। अब TN यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला है A प्लस ब्रैकेट के अंदर N - 1 इंटू D, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आएगा और इस बॉक्स में क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स आने वाले हैं बीच में, लेकिन मेन हमको इस बॉक्स में क्या लिखना है। तो चलो हम लोग इसको थोड़ा सा बाजू में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ही मैं सॉल्व करूंगी, फिर इसको रफ कर दूंगी। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे आएगा 901। आपको बताती हूँ, जैसे कि ये होगा 995 इज इक्वल्स टू 100, फिर प्लस यहाँ पे ये अंदर जाएगा, अंदर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 5L -5, ठीक है। ओके, तो 995 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा ये होगा 95 प्लस 5L। ओके, यानी कि इस बॉक्स में क्या आने वाला है, इस बॉक्स में आने वाला है 95 प्लस 5L, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 95 प्लस 5N, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली बोला है कि N की वैल्यू क्या है बताओ, तो चलो हम लोग N की वैल्यू भी ढूंढेंगे। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 995 है, ये उधर शिफ्ट होगा 95 इज इक्वल्स टू 5N, ये 900 हो गया, 900 इज इक्वल्स टू 5N। ओके, तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो N की वैल्यू निकालनी है, तो N हो जाएगा हमारा 900/5। तो 5 1 5, 5 1 5, 4 बचेगा, 5 8 40, 180 आंसर आया, ठीक है। तो यहाँ पे आ 180, बस इतना आपको लिखना है, ये सब कुछ नहीं दिखाना है। ये देखो बहुत सारे स्टेप्स हो गए, बीच में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं दिखाना है। मैंने पेंसिल से क्यों लिखा, ताकि मैं इसको रफ कर सकूं। और ये जो रफ वर्क है वो आप पीछे भी कर सकते हो, बट पीछे बार बार अगर पीछे टर्न करोगे पेज तो टाइम पास होगा, इसलिए मैंने बाजू में ही किया, लेकिन फिर उसको मैंने रफ कर दिया, ठीक है। तो ये देखो, हाफ मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे, 2 मार्क्स इस एक्टिविटी के। फिर वैसे ही यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी भी मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले एक्टिविटी लिख देना, मैं भूल गई, लेकिन आप यहाँ पे एक्टिविटी लिख देना, उसके बाद इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी की एक्टिविटी है, तो ये हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट, हाँ, इसको मैं थोड़ा सा टर्न कर देती हूँ, फोल्ड कर देती, सॉरी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3A है। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 3A में भी एक्टिविटी होती है, वो 3 मार्क्स की होती है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको 6 बॉक्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, और एक बॉक्स का जो मार्क्स मिलेगा वो मिलेगा आपको हाफ मार्क्स, हाफ 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 हाफ, और ऐसे करके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको बस जज किया जाएगा कि आपने इस बॉक्स में राइट वैल्यू लिखी है कि नहीं। अगर आपने इस बॉक्स में रॉन्ग वैल्यू लिखी है तो आपका हाफ मार्क्स चला जाएगा। तो जज सिर्फ आपको इस बॉक्स को देख के ही किया जाएगा, यानी कि मार्क्स सिर्फ आपको इस बॉक्स से देख के ही दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी को टॉप पे लिखना है, एक पेंसिल से डेकोरेशन कर लो, पूरी एक्टिविटी आप छाप लो। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं आपको बताती हूँ, ये वाली एक्टिविटी हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3A की एक्टिविटी ये है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना कुछ लिखा है, बट हमने ये जो वो नहीं लिखी है, ये सिर्फ आपको पढ़ना है। द सम ऑफ द फर्स्ट 41 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द 21st टर्म। ये सब कुछ मत लिखो, आपको जहां से मेन एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है ना वहां से लिखना है। जैसे कि यहाँ से लिखा, देखो SN इज इक्वल टू, यहाँ से लिखना है पूरा, यहाँ तक पूरा छापना है पूरा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ से पूरा यहाँ तक छापा, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको फिल करना है। तो इसको फिल कैसे करोगे, आप बाजू में इसको सॉल्व करो, यहाँ पे बाजू में स्पेस है, यहाँ पे सॉल्व करो, या फिर लास्ट पेज जो है वहां पे आप लोग सॉल्व करके देखो, और जो मेन जो है वही यहाँ पे लिखना, ठीक है। ओके, समझ में आया। चलो एक ज्योमेट्री की भी एक्टिविटी ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2A, ये ज्योमेट्री का है, ठीक है, ज्योमेट्री का बता रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2A में जो एक्टिविटी होती है वो कितने मार्क्स की होती है, चलो बताओ, आपको पता होना चाहिए, अभी पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। तो ये जो एक्टिविटी है वो होती है 2 मार्क्स की, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, एक मिनट, हाँ, मैं एक बार आपको एक्टिविटी बता देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2A। तो यहाँ पे देखो आपको 4 बॉक्स ही मिलेंगे, 1 2 3 4 पक्का 4 बॉक्स मिलेंगे, क्योंकि हाफ हाफ मार्क्स का रहता है एक बॉक्स का वेटेज। ठीक है, तो चलो अब इसको करते हैं। तो मैंने क्या बोला था आपको, ये सब इतना ये जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको पढ़ लो। इन द फिगर दिस 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 जो भी है वो पढ़ लो, और अगर आपको फिगर दिखता है तो फिगर बना लो। बहुत बच्चे बोलते हैं क्या फिगर बनाना कंपलसरी है क्या? अरे आप इतना आलसगिरी क्यों कर रहे हो, बना लो ना, क्या जाएगा आपका, है ना? एक फिगर ही तो बनाना है, अच्छा है ना, अच्छा इंप्रेशन होगा आपका, गुड इंप्रेशन होगा टीचर्स के सामने, तो एक फिगर ही तो बनाना है। तो देखो मैंने बाजू में बना दिया, मेरा कुछ गया क्या, मेरा कुछ घाटा नहीं हुआ, इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एक्टिविटी है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, जहां से हमारी मेन एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक मैंने पूरा ऐसे कैसे छाप लिया। पहले तो मैं छाप लूंगी और जो बॉक्सेस है वो पेंसिल से बना दूंगी, उसके बाद मैं अभी इसको फिल करने वाली हूँ। तो चलो फिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये दोनों जो ट्राइंगल है उसका बेस अगर सेम है तो एरियाज का रेशियो जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो यहाँ पे हाइट्स आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, तो AB/DC। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो मेरा आंसर है। तो यहाँ पे देखो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो ये और ये 1/2। ओके सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली में सॉरी 3/4 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 2 3s 6 एंड 2 4s 8, तो 3/4 इज द आंसर। तो ये बॉक्स फिल हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप सेकेंड एक्टिविटी भी कर सकते हो। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3A में भी एक्टिविटी होती है, तो ये यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो जो मेन बॉक्सेस है ना, बस वही आपको फिल करने हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप अगर नहीं दिखाओगे तो बिंदास चलेगा, आपको उसको देख के बिल्कुल भी मार्क्स नहीं दिया जाता है, सिर्फ ये बॉक्सेस को देख के ही आपको मार्क्स दिया जाएगा कि ये जो बॉक्सेस में आपने जो वैल्यूज लिखे हैं वो राइट लिखे हैं कि नहीं। तो अगर आप लोग एक्स्ट्रा पार्ट दिखाओगे और उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो टीचर खुद ही कंफ्यूज हो जाएगी। फिर इससे अच्छा बेटर है कि ये बॉक्सेस सिर्फ आप फिल करो, और मैंने बता दिया है कि कैसे फिल करना है। जैसे कि ये लास्ट बता देती हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट एक फिर से आपको एक डेमो दे देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 3A की एक्टिविटी है। तो यहाँ पे मेन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से एक्टिविटी, बरोबर। ये फाइंड द रेशो, ये सब कुछ नहीं लिखना है आपको, ये सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ना है। मेन एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। लेट P डिवाइड्स द सेगमेंट AB इन द रेशियो M:1, और यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट B के कोऑर्डिनेट दिए हैं, P के कोऑर्डिनेट x, y लिया है। ये रेशियो जो है वो M:1 है, तो हमको वो रेशियो फाइंड करना है। ओके, एक्टिविटी समझ में आ गया। चलो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला ऑब्वियसली यूज होगा, और अगर आपको ये नवनीत के जो प्रैक्टिस पेपर्स है अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो वो वाली सीरीज हमने दिनेश सर के स्मार्ट स्टडी चैनल पे लॉन्च की है, जहाँ पे हमने ये सारे प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व किए, ठीक है। वो आप वहाँ पे विजिट करके देख लेना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या है? वैसे तो देखो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्टली वैल्यूज को पुट किया है, लेकिन मतलब हमारे खुद के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लिख देंगे। जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पे देखो जो सेक्शन फॉर्मूला यूज हुआ है ना वो y के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो y वाला सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, y = (m(y2) + (n(y1)) / (m+n), ठीक है। ये सब रफ वर्क होगा आपका, ये सब रफ वर्क होगा। अब रफ वर्क आप यहाँ पे भी कर सकते हो बिंदास, लास्ट पेज में। मैं इसको बाद में रफ करूंगी, इसको ऐसे रख के मत आ जाना, भूलना मत, ठीक है। तो अब y की वैल्यू देखो, यहाँ पे y की वैल्यू है 7, तो 7 = (m) हमको फाइंड करना है। y2 है 2 + (n) क्या है हमारा, n तो हमको फाइंड करना है। y1 है 9 और / (m+n), ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इस बॉक्स में 2 आएगा। हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पूरा जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं ना वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन लास्ट में जाके हम लोग ये सारे बॉक्सेस को फिल कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे करना है एक्टिविटी। चलो अभी आगे हम लोग खुद ही सॉल्व करते हैं। दैट इज 7 = ये हो जाएगा 2m, फिर प्लस ये हो जाएगा 9n, हाँ, फिर (m+n)। अब ये यहाँ पे डिवाइड में है, वापस शिफ्ट होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7m + 7n, है ना। और ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2m + 9n। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, ये 2m होगा। देखो ये सब एक्स्ट्रा स्टेप्स है, ये एक्स्ट्रा स्टेप्स है जो यहाँ पे नहीं लिखनी है, ठीक है। तो अभी अभी क्या क्या समझ में आया कि यहाँ पे 2 आएगा, आप लिख दो, साइमल्टेनियसली लिख भी सकते हो। यहाँ पे 2 आएगा, उसके बाद ये वाली जो स्टेप है वो ये वाली है, दैट इज यहाँ पे आएगा 2m, ठीक है। उसके बाद चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, mm वाले एक तरफ हो गए, nn वाले एक तरफ हो गए, तो ये 7m, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो -2m, ये 9n है, ये वहां पे शिफ्ट होगा तो -7n, ये हो जाएगा हमारा 5m और ये हो जाएगा हमारा 9 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 2n, ठीक है। तो दैट इज m अपॉन n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, तो ये आया। तो चलो अभी हमको समझ में आ रहा है कि ये वाला बॉक्स है, ये इधर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2m, ये है, ये 2m आएगा और 9n माइनस क्या है 7n, तो 7n यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5m। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है सब, तो ये होगा यहाँ पे 5m। उसके बाद अच्छे से आप लोग लिख दो, पूरा फिल कर दो, ठीक है। ये 7n, उसके बाद यहाँ पे आएगा 2/5। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको रफ करना है। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये क्या करना आप लोग पीछे ही करना। यहाँ पे अगर रफ करते करते आपका पेज वेज फट गया तो ये भी टेंशन हो जाएगी आपको, फिर टेंशन में आप रहोगे। तो ये सब पीछे ही करना। मैं अभी सामने क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको प्रेजेंट करना है ना, तो बार बार पीछे करूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वीडियो फिर बहुत ही मतलब बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है। तो पीछे ही रफ वर्क में करना। देखो ये रफ कर दिया, अब हाफ 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 हाफ, यानी कि सबका हाफ मार्क्स मिला के आपको 3 मार्क्स मिल जाएगी, है ना। हाँ, 6 बॉक्सेस है तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बस ऐसे करना है आपको एक्टिविटी। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज मत दिखाओ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आपको एक्टिविटी समझा होगा। और जब भी आपका एक क्वेश्चन हो जाता है तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, लाइन खींच दो, लाइन को ड्रॉ करोगे ताकि आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा हो, ठीक है। तो अगर आपको एल्जेब्रा और ज्योमेट्री का पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे करना चाहिए, पूरा पेपर प्रेजेंटेशन, हाँ, मार्जिन कहाँ पे ड्रॉ करना है, रफ वर्क कहाँ पे करना है, ओके, तो वो सब मैंने ऑलरेडी एक जो वीडियो है वहाँ पे बताया है। ये वीडियो सिर्फ एक्टिविटी के लिए मैंने बनाया है। तो अगर आपको वो वीडियो की लिंक चाहिए, दैट इज पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो वीडियो भी आप लोग देख लो इस वीडियो के बाद तुरंत, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्टिविटी को कैसे लिखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग एग्जाम में एक्टिविटी को कैसे सॉल्व करोगे। तो अगर कुछ डाउट है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। अगर आपको किसी के ऊपर स्पेशल वीडियो चाहिए तो जरूर मुझे बताना, मैं आपके लिए वो स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगी। और एक बात, मैंने एक दूसरा चैनल भी बनाया है गैलेक्सी परमार के नाम से, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। आपको उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।